हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली पेज पे करंट पेज पढ़ते हैं जो आपका हर एग्ज़ाम को कवर कराएगी, चाहे स्टेट में आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में SSC, रेलवे, UPSC, बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट पेज अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो आपसे 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप सिलेबस कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, आपका जो करंट पेज से 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी जो इसका जो वेटेज है 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगर आप छात्रावास से दीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें सिलेबस में देखे होंगे 15 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट पेज वहाँ से पूछा जाएगा। तो 15 नंबर करंट पेज, अगर कंप्यूटर के बाद नीचे का जो सेक्शन देखेंगे करंट पेज का, तो कंप्यूटर का वेटेज आप तो पहला है, सेकंड में आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक आपका करंट पेज में है। तो मतलब ये आपके दोनों जो है वो आपका 50 नंबर का आएगा, ये आपका 15 नंबर थी, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट पेज को हल्का में मत लीजिए, पूरे में से पूरे नंबर आपके कवर यहाँ पे करंट पेज में कर सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक नंबर से या तो सिलेक्शन या तो हो जाता है या तो रुक जाता है। लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, ये नहीं पूछा जाता कि कितने नंबर से रुके होकर के, तो लास्ट में यही इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, बाकी आप समझदार हो। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में LF मॉडल A के द्वारा किस देश के द्वारा प्रमाणित दुनिया के पहली इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लाइंग कार यहाँ पे बनी है, चीन, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपनी है जो LF फ्लाइंग जो कार कंपनी है, जो आपके हाल ही में जो 100% यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार बनाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं जो कार है उड़ने वाली कार है, साथ ही साथ इसको आप रोड में सड़क में भी इसको चला सकते हैं, जैसे ट्रैफिक जैसे आता है तो आप उसको इसको सर्टिफिकेट दे दिए इस कंपनी को यहाँ के जो गवर्नमेंट ने, तो जैसे ट्रैफिक आता है तो साहब आप उड़ के आगे भी इसको जा सकते हैं, पार कर सकते हैं। ये जो इसको लाइसेंस अलग से इसको प्रमाणित भी किया, इसको लाइसेंस भी दे दी गया है अमेरिका की LF फ्लाइंग कार कंपनी है। तो इसको याद रखिए, आपको लगभग 100% आपकी इलेक्ट्रिक कंपनी है। नाम अगर पूछे तो LF कंपनी है इसकी, याद रखिएगा LF इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा इस कार को डिज़ाइन किया गया, तैयार किया गया है। और ये आपके 2025 तक ये जो कंपनी है यहाँ पे जो कस्टमर को यहाँ पे प्रोवाइड करने की यहाँ पे रणनीति बनाई गई, 2025 तक यहाँ पे मार्केट में उतारने के लिए तैयार यहाँ पे रणनीति बनाई गई है। तो लगभग देखें तो अगर इसका जो रेट की बात करूँ तो अकबर $3 लाख के आसपास लगभग ये आपके इसके रेट बताई जा रही है। अभी जब मार्केट में आएगा तो इसका फिक्स रेट पता चलेगा, तो इसको इंडिया रुपीस में आप कन्वर्ट कर लेंगे $3 लाख को, तो करोड़ों रुपये में इसकी कीमत होगी रेट। और ये आपका यहाँ पे जो बात करिए आपके 100% इलेक्ट्रिक कार, और ये आपका 177 स्पीड रेंज के साथ आपके उड़ने वाली है ये कार। ये आपका रोड में भी और आपके ऊपर में इसको उड़ा सकती है। ये आपको खास करके अमेरिका के में आपके उड़े इसको जो सर्टिफिकेट दी है अमेरिका के में यहाँ इसको उड़ा सकेंगे, अन्य कहीं भी आपको इसको उड़ा नहीं सकते। तो इसको 2025 तक में मार्केट लाने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, जो कंपनी सर्टिफाइड कंपनी है तो इसको याद रखिए। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की जो राजधानी वाशिंगटन DC, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति जो हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वाड़ी योजना शुरू की है, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश यहाँ के राजधानी है, पहले अमरावती थी लेकिन यहाँ की राजधानी को चेंज कर दिया गया है, विशाखापट्टनम यहाँ की नई राजधानी है। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं और S अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो हाल ही में जो जगन्ना अम्मा जो वाड़ी योजना है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा इसको स्टार्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं खास करके बच्चों के लिए इसको स्टार्ट किया है, जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके छात्रवृत्ति प्रोवाइड किया जाए, जो शिक्षा स्तर को खास तौर पर बढ़ाने के लिए इसको लाई गई है। और ये आपके जो गरीब परिवार के जो लोगों के लिए मदद करने के लिए यहाँ पे खास करके लाया गया है, जो गरीबों के जो बच्चे स्कूल में जैसे खो देते हैं या गुम हो जाते हैं, इसी को देखते हुए जो सार के छात्रों के प्रति लाई गई है इसके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और इनको सालाना एनुअल 15,000 रुपये इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका अच्छी स्कीम है एक तरह का, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीबीआई के विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया, तो वी एम रेड्डी को, एनके सिंह को, अजय भटनागर को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, अजय भटनागर अब से आपका जो सीबीआई है इसे विशेष निर्देशक इनको नियुक्त किया। सीबीआई की बात करूँ, सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसको याद रखिए, भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, नाम सुने होंगे सीबीआई, जिसके निर्देशक इसको बनाए हैं अजय भटनागर जी को। इसको याद रखिए। अगर सीबीआई की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया था, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना किया था। इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो जो प्रवीण सूद हैं इसके अभी वर्तमान में डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी, इसको यूके के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की राजधानी है लंदन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जो प्रधानमंत्री देख सकते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। ये जो अवार्ड है इनको दिया जा रहा है, ये अवार्ड जो है एक सिख योद्धा हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको उनके काम के प्रति इसको 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को या उनकी द्वितीय युद्ध के दौरान इस सिख योद्धा को दिया जा रहा है उनके सम्मान के प्रति में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेलाइट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया, अजय पांडे को, ए के राघवन को, मनोज कोहली को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कोहली, या आपके डेलाइट, या आपके जो कंपनी है डिजिटल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का फुल फॉर्म होता है। ये जो कंपनी है डेलाइट, जो कंपनी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, इस आपके कहाँ पे कंपनी आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ये आपका कंपनी है सॉफ्टवेयर जाने माने सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इसके जो स्थापना की बात करूँ, 1990 में इसकी स्थापना किया गया है, तेलंगाना हैदराबाद में आपका जो कंपनी है स्थित है। और भी वर्तमान में इसके जो सलाहकार के रूप में मनोज कोहली, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी जो दिवस है ये आपके कब मनाया गया, तो 29 जून, 1 जुलाई, 30 जून, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। तो हर साल नेशनल जो आपका पोस्टल जो वर्क डे है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है जो दिवस को, तो डाकों के प्रति जो डाकियामैन होते हैं हमारे, उनके प्रति हमारे घर तक उनके कार्य को यहाँ पे सराहना करते हुए, खास करके उनके सेवा को और उपयोगिता को महत्व को देखते हुए जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को हर साल इसको मनाया जाता है, तो नेशनल पोस्टल वर्क डे इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वी वेणु को किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में इनको नया मुख्य सचिव कौन से राज्य के बनाया गया है, तो गोवा, उड़ीसा, केरल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वी वेणु, याद रखे वी वेणु, अब ये जो केरल राज्य है, केरल की बात करूँ यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल। तो वी वेणु को हाल ही में इनको जन नए मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया है केरल राज्य के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने, एडीबी सभी जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका बोला जाता है, एशियाई बैंक करके, तो हाल ही में एडीबी ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण को मंजूरी दी है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, अगर इसकी स्थापना कब किया था, तो 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, और 68 कंट्रीज़ के मेंबरशिप कंट्री लिया हुआ है। अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो मस्तागो जो अस्कावा इसके अभी वर्तमान में हेड है इसके। और हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, 50 मिलियन डॉलर जो आपके यहाँ पे जो नेपाल के लिए यहाँ पे ऋण के रूप में इसको दिया गया है नेपाल को, यहाँ पे नीतिगत सुधारों के लिए, यहाँ पे जो सरकार के प्रति यहाँ पे उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पे इसको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ पे शुरू हुआ है, तो केरल में, राजस्थान में,
या गुजरात में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो गुजरात में, गुजरात के जो जो काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जो कि भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित किया गया था, और लगभग 700 मेगावाट वाणिज्य परिचालन यहाँ पे शुरू करने के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो अब हमारे जो भारत में, याद रखिएगा, तो भारत के जो पहले या आपके स्वदेशी रूप से विकसित किया गया लगभग 700 मेगावाट वाणिज्य परिचालन के यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो आपके स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ पे किया जा रहा है, तो आपके गुजरात में यहाँ पे किया जा रहा है। गुजरात के बारे में बात करूँ, गुजरात यहाँ की जो राजधानी है, गुजरात की गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के कौन है, गवर्नर है राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दीपक धर को, माइकल रोजेन को, पोएम पुनावाला को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल रोजेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर जो पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा माइकल रोजेन को, तो इसको याद रखिएगा। तो जो यह जो पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपका जो माइकल जो रोजेन है, ये देख सकते हैं माइकल रोजेन एक ब्रिटिश लेखक है। लेखन के क्षेत्र में इनको यह जो पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया जाता है, तो ब्रिटिश लेखक हैं इनके जो ये आपका पेन का फुल फॉर्म होता है पेन प्रिंटर प्राइस इसको बोला जाता है। तो ब्रिटिश लेखक लेखन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इनके जो बच्चों के पसंदीदा या आपके लेखक हैं बच्चे के, और इनके जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है आपका वी आर गोइंग अ बियर हंट, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जाके पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक इसको मानी जाती है। इनकी जो फेमस बुक है और इनको बच्चों के पसंदीदा बुक लेखक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपका माइकल रोजेन। तो हाल ही में इनकी जो बुक प्रतिष्ठित हुई थी, मतलब प्रकाशित हुई थी, इसी में इनको यह जो पुरस्कार है लेखन के क्षेत्र में इनको दिया गया है 2023 के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है? पंजाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे वीर देवेंद्र सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गए है, कहाँ के थे? तो आपके पंजाब के आपके डिप्टी पूर्व डिप्टी स्पीकर थे जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया था, इसको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है? तो फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है आपका वाशिंगटन डीसी, यहाँ की राजधानी है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नस्ल के आधार पे जितने भी कॉलेज वगैरह थे इसमें यहाँ पे उनके जाति के हिसाब से एडमिशन दिया जा रहा था। लेकिन इसको हाल ही में यहाँ के जो अमेरिका के शिक्षा मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मिल के इस जो आपका नस्ल के आधार पर जो एडमिशन यहाँ पे दिया जाता है, तो इसको पूरी तरीके से इसको खारिज करके इसको ख़त्म करती है। तो मतलब नस्ल के आधार पर यहाँ पे अब नहीं होगा कॉलेज में एडमिशन, ये खास करके आपके सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ये जो महत्व जो घोषणा की गई है, तो मतलब यहाँ पे अब जो नॉर्मल यहाँ पे एडमिशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में गर्नाट डालनर, याद रखिए हाल ही में जो गर्नाट डालनर है इसको किस कंपनी के प्रबंध बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बीएमडब्ल्यू, आरडी, वॉल्वो, या इनमें से कोई नहीं। तो आरडी को सभी जानते होंगे, आपके पास होगा भी, तो आरडी जाने माने ब्रांड कार है, सभी जानते होंगे जितने भी सेलिब्रिटी, आजकल तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी आरडी अभी चढ़ते हैं। तो आरडी की बात करते हैं यहाँ पे, तो हाल ही में जो आरडी जो कंपनी के हाल ही में जो गर्नाट डालर है इनको जो आरडी जो कार कंपनी है इसके प्रबंध निर्देशक इनके सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया है। कौन सी कंपनी? आरडी, ये आपके जाने माने कार कंपनी है, लग्जरी कार के अंतर्गत आती है। तो आरडी आपकी कहाँ की कंपनी है? आरडी सुने होंगे आपके कहाँ से बन के आता है, तो आपके जर्मनी से बन के आता है, इसको याद रखिए। आरडी जो है जो कार है लग्जरी कार है जर्मनी से बन के आता है, जो जर्मनी आपका इसके निर्माता है आरडी कार की, और इसका जो हेडक्वार्टर भी आपके जर्मनी में स्थित है, और इसके जो स्थापना है इस कंपनी
1909 में इसकी स्थापना किया गया था। अगस्त जो बोर्चे हैं इसके संस्थापक हैं आडी कंपनी की। तो इसको याद रखिए कहाँ से बन के आती है, तो आपके जर्मनी से कंपनी बन के आती है, ये आपके जर्मन कंपनी की देन है। बहुत सारे जो कार हैं आपके बाहर से बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं उड़ीसा में सबसे बड़ा यहाँ पे नेचुरल आर्क खोजा गया है, तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा के आपके कौन से ज़िला में। तो उड़ीसा के आपके जो सुंदरगढ़ जो ज़िला है यहाँ पे जो उड़ीसा में सुंदरगढ़ में इसको खोजी गई है। किसके द्वारा? GSI क्या होता है? इसको हिंदी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसको कहा जाता है। अगर GSI की बात करूँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये आपका भारतीय वैज्ञानिक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर आपके वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और 1857 में इसकी स्थापना किया गया है। और सुंदरगढ़ में उड़ीसा के ये आपका लगभग लंबाई इसके 30 मीटर है और अगर ऊंचाई की बात करूं तो 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपका नेचुरल आर्क है जो आपका प्रकृति के देन से आपका बना हुआ है, जो आपका उड़ीसा के सुंदरगढ़ ये ज़िले में इसकी खोज की गई है, जो हमारे भारत की जो वैज्ञानिक एजेंसी ये तो ये इनके द्वारा GSI के द्वारा इसकी खोज की गई है। कहाँ पर? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो महिला CPL के हाल ही में महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? रूबी सिन्हा, श्रेयंका पाटिल, सुरुचि सेठ या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेयंका पाटिल, ये आपका वुमेन्स क्रिकेट टीम में खेलती हैं। तो हाल ही में जो कर्नाटक जो वुमेन्स क्रिकेट टीम में अभी खेल रही थी, जिनका जो सिलेक्शन है आपका CPL में, कैरेबियन प्रीमियर लीग बोला जाता है इसको, इस क्रिकेट टीम में जो इंटरनेशनल टीम खेलने के लिए आपका तैयार हो गई, इनका सिलेक्शन हो गया है। ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? इनका जो जन्म है आपके बेंगलुरु सिटी में इनका जन्म हुआ है। मात्र इनकी जो एज है 20 साल की एज है इनका, जिनका जो सिलेक्शन है आपके इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए, आपके कैरेबियन प्रीमियर लीग में इनका क्रिकेट खेलने के लिए चयन हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, तो जो CPL की है आपका एक मिनट, ये CPL का जो 2013 में इसको बनाया गया था इस संगठन को, और वुमेन्स जो अभी वर्तमान में जो श्रेयंका पाटिल है अभी कर्नाटक वुमेन्स क्रिकेट टीम में खेलती हैं, जिनका चयन अभी CPL में हुआ है। तो इसको याद रखिए, इनका जो एज है मात्र 20 साल के हैं, तो CPL T20 में इनका चयन हुआ है। तो इसको याद रखिए, आपके क्रिकेट में आयोजित टूर्नामेंट में इनका चयन हुआ है। तो ये आपका जो कब से कब होगा, तो 16 अगस्त से 24 सितंबर तक ये आपके गुयाना शहर में, याद रखें गुयाना शहर में इसका होगा, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ श्रेयंका पाटिल की। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन है आज यहीं पे ख़त्म होता है, तो हम कल मिलते हैं करंट अफेयर्स में। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।